नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछला टॉपिक हमने किया था हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद वी कैन असाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है। आफ्टर दैट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक होता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पहले भी हमने किया है फर्स्ट चैप्टर में ही, केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल इक्वेशन इज ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का जो ब्रीफ में रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ब्रीफ यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव अमोनिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक इक्वेशन है, रियल में रिएक्शन नहीं हो रहा है, रियल में रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन तो हमने प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, जब आप कोयले को लकड़ी को किसी कार्बन के कंपाउंड को बर्न करोगे तो ये रिएक्शन होगा रियल में। ये यहां रिएक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये कार्बन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल है, नाइट्रोजन का सिंबल है, दिस इज ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ सिंबल, सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन है। और जब ये सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ अब हम ये देखें कि इसको तो बोलते पहले केमिकल इक्वेशन, द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अगर इसके साथ हीट चेंज भी दे रखी होती तो यह बन जाता थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर इसके साथ हीट चेंज भी दे रखी है तो ये बन जाएगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हीट चेंज इज गिवन विद केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के साथ हीट चेंज दे दे तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और अगर इसमें बैलेंस है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, टोटल एटम की बात नहीं हो रही है। टोटल तो यहां पे टू और टू, दो हाइड्रोजन चार हो गए, और इधर भी थ्री हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, तो टोटल यहां भी चार है और यहां भी चार है, बट इट इज नॉट बैलेंस। नंबर ऑफ एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड। नाइट्रोजन इधर दो है तो उधर भी दो होने चाहिए, इधर चार है तो उधर चार होने चाहिए, एक है तो एक होना चाहिए, दस है तो दस होने चाहिए। अब नाइट्रोजन यहां दो है, यहां एक है, एक आ गया, हाइड्रोजन ध्यान दो है तो वहां तीन कहां से आ गए। तो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, इक्वेशन दैट हैव सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में नंबर ऑफ एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इक्वल हो तो वो आपका होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब किसी अब जैसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस है आपकी, दो इंफॉर्मेशन देती है वो इक्वेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटी इंफॉर्मेशन ये है कि क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, कितना, हाउ मच। व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज क्वालिटी ऑफ रिएक्शन। एंड वन मोल ऑफ कार्बन कंबाइन विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन की वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गिव बोथ इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी है और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन अगर आप यहां देखें दिस इज नॉट ए बैलेंस, तो यहां पर हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी,
when one mole of nitrogen react with when nitrogen react with hydrogen give ammonia. लेकिन यहाँ क्वालिटी की बात नहीं कर सकते, क्वालिटी की सॉरी कर सकते हैं, क्वांटिटी की नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद वन मोल ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. अगर इसी को हम बैलेंस कर लेते तो इसका अगर एक मोल है तो इसका तीन तो ये दो, नाउ इट इज बैलेंस. नाउ यू कैन से वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव टू मोल ऑफ अमोनिया. दिस इज क्वांटिटी, क्वांटिटी इंफॉर्मेशन. वन मोल मीन्स 28 ग्राम, थ्री मोल मीन्स 6 ग्राम एंड टू मोल मीन्स 34 ग्राम. दिस इज क्वांटिटी इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव अमोनिया. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों यूज कर सकते. Now, what are the different method for balancing of a chemical equation? कोई भी chemical equation को balance करने के method क्या है? एक तो आपका पहला method है heat and trial method. Heat and trial करते रहिए. लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, when you balance the equation, quality should not be changed. Quantity change कर सकते हो आपको nitrogen plus हाइड्रोजन गिव अमोनिया. नाइट्रोजन इधर वन है इधर टू है, आप इसको हटा दो, ये वन बन गया और आपने बैलेंस कर दिया. दिस इज रॉन्ग वे. क्यों? आपने तो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, आपने तो क्वांटिटी चेंज कर, मतलब क्वालिटी चेंज कर दी. एन नहीं है, एन टू है तो एन टू ही रखोगे. क्वालिटी फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे व्हेन यू बैलेंस द इक्वेशन. आप यहां पे कुछ लगा सकते हो, ये स्पेस है आपके लिए बैलेंस करने के लिए, इधर नहीं कर सकते कुछ. हीट एंड ट्रायल है, दो नाइट्रोजन है इधर भी दो करने के लिए, आप यहां दो कर सकते हो. अब हाइड्रोजन आपके इधर थ्री एंड टू सिक्स हो गए तो यहां थ्री कर दो. हीट एंड ट्रायल की बात हम करते हैं कि करते रहिए जब तक नहीं होता है. तो कुछ एक इक्वेशन होती है छोटी इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन होती है. छोटी इक्वेशन सिंपल इक्वेशन में आपका हीट एंड ट्रायल मेथड लागू हो जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड लागू हो जाता है. और जो हीट एंड ट्रायल मेथड लागू होता है वहां पे तो इजी भी हो जाता है, लेकिन इट इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड. कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट अलग अलग कई कंपाउंड में एग्जिस्ट हो रहा है. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी दो तीन मॉलिक्यूल्स में है, प्रोडक्ट में भी दो तीन में. अब उसमें बताओ, अब जैसे मान लिया रिएक्शन में आपका से आयरन सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट गिव पोटेशियम सल्फेट मैग्नीज सल्फेट आयरन सल्फेट एंड वाटर. अब इसमें ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सभी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है. अब एक ऑक्सीजन आपको ऐड कम करना है, ज्यादा करना है, तो ज्यादा करना है तो कैसे करो, किसको करो? अगर आप इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो हीट एंड ट्रायल जो मेथड है, या कई बार रिएक्शन के दो पार्ट बना लेते हैं, पार्शियल मेथड बोलते हैं उसको. दो पार्ट बना दिया, फिर हर पार्ट को अगर बैलेंस करके उनको ऐड कर दिया थोड़ा सिंपल बनाने के लिए. लेकिन ये दोनों मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं है. पार्शियल बना लो फिर उसको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करो फिर ऐड कर दो, तो वो यानी कि दोनों ही साइंटिफिक मेथड नहीं है. साइंटिफिक मेथड हमारे पास है, वन इज बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन आयन मेथड. इलेक्ट्रॉन आयन मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इलेक्ट्रॉन आयन मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों का बेस क्या है देखो. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का बेस है, इट
on the fact that increase in oxidation number should be equal to decrease in oxidation. Increase in oxidation number or decrease in oxidation number बराबर होने चाहिए. जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होगा. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. यानी कि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा. इसका मतलब इससे कैसे बैलेंस करोगे? अगर हम ये कह रहे हैं भाई एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उतना ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना चाहिए. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे. ऐसा नहीं हो सकता लॉस हो जाए, गेन ना हो या गेन हो तो फिर लॉस ना हुआ हो. अगर किसी रिएक्शन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है देन इट इज बैलेंस्ड, और अगर वो इक्वल नहीं है तो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, फिर वो बैलेंस्ड नहीं है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बैलेंस होने चाहिए. इसका मतलब कैसे करोगे आप बैलेंस? इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच अंडरगो रिडक्शन, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. फिर कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, और जितना बढ़ रहा है जितना कम हो रहा है वो बराबर है तो बहुत ठीक है, बराबर नहीं है तो उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए. तो क्या क्या स्टेप होंगे? सबसे पहले राइट डाउन द रिएक्शन, सेकंड आइडेंटिफाई द स्पीसीज हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, देन फाइंड आउट व्हाट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज पर एटम, देन पर मोल, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज शुड बी इक्वल बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग और दिस इक्वेशन बिकम बैलेंस. देखिए बेस तो किस पे है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. दूसरी बात क्या है, राइट डाउन स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, राइट डाउन स्केलेटन ऑफ रिएक्शन. क्या करिए, रिएक्शन का स्केलेटन लिखिए, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उसका स्केलेटन लिख दीजिए. देन राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन हो गया. आइडेंटिफाई Identify the species that increase in oxidation number and that decrease in oxidation number. Identify the species whose oxidation number is increased and identify the species whose oxidation number is decreased per atom. Per atom kitna increase ho raha hai aur kitna decrease ho raha hai. Generally one atom
डिक्रीज एंड वन एटम इंक्रीज. बट इफ मोर देन वन एटम इंक्रीज और डिक्रीज, अगर एक से ज्यादा एटम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, एन एटम बट मोर देन वन एटम इंक्रीज और डिक्रीज, देन फाइंड टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज पर एटम, देन पर मोल. पहले तो इंक्रीज और डिक्रीज निकालिए एक एटम का, फिर एक मोल का, उस एक मोलिक्यूल में उसका एक एटम भी हो सकता है, दो एटम भी हो सकते हैं, तीन एटम, कुल मिला के इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है. नॉर्मली तो एक ही स्पीसीज का इंक्रीज होगा या एक का ही डिक्रीज होगा, लेकिन अगर दो का इंक्रीज हो रहा है तो फिर दोनों का जोड़ दीजिए, दो का डिक्रीज हो रहा है दोनों का डिक्रीज. देन टोटल इंक्रीज, देन मेक टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग. हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए. इन लास्ट देन then balance the molecules, balance the atom without disturbing in which increase and decrease, and in last balance hydrogen and oxygen as per medium. In acidic medium, in acidic medium hydrogen is balanced by H positive and oxygen is by water, and in basic medium hydrogen is by water and oxygen by OH. फिर से सुनिए, सबसे पहला काम है इक्वेशन को बैलेंस कीजिए. नहीं, सबसे पहला काम है, पहले तो बेस क्या है, बेस तो यह है कि भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर होने चाहिए. अब करें कैसे, अब जब आपको इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना है, तो सबसे पहले तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कितने इंक्रीज हुए कितने डिक्रीज हुए, फिर उनको बराबर कर दो. पहले तो ये पता चले इंक्रीज कितना हुआ डिक्रीज कितना हुआ, वो कैसे पता चले, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, देखो उसमें कौन डिक्रीज कौन इंक्रीज कितना डिक्रीज. तो सबसे पहला काम है कि राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्केलेटन को लिख लो. दूसरा भी काम है आइडेंटिफाई द स्पीसीज हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज. ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, जब आपको उनके ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा.
जब ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है तो आप ये निकाल पाओगे कि किसका इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है। जनरली आप जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है जिसका हमें निकालना चाहिए। देखने से यार पर निकालने की जरूरत नहीं है। वाटर है तो पता है आपको कि हाइड्रोजन का प्लस वन है और ऑक्सीजन का माइनस टू है। पी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर होंगे जिनमें चेंज आया होगा, जिनका ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। और नॉर्मली एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका डिक्रीज हुआ है, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर कोई स्पेशल केस में एक से ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज भी है तो आपको दोनों को टोटल इंक्रीज निकालिए, टोटल डिक्रीज। अच्छा, पहले आपका इंक्रीज या डिक्रीज निकलेगा पर एटम। अगर उस मॉलिक्यूल में दो एटम है तो फिर आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीन एटम है दो तीन से। तो पहले तो निकालिए इंक्रीज एंड डिक्रीज पर एटम और फिर निकालिए इंक्रीज और डिक्रीज पर मोल, पर मोल। तो इंक्रीज और डिक्रीज पर एटम, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज पर मोल, देन टोटल इंक्रीज शुड बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज, उनको बराबर कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जिस स्पीसीज में आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया है, जिसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उनको मत छेड़िए क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। इनके अकॉर्डिंग बाकी सभी को बैलेंस कीजिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस कीजिए। और नॉर्मली जिस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम है, उनसे बैलेंसिंग शुरू कीजिए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करिए लास्ट में। अगर आपको बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में कर रखा है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिए एच पॉजिटिव से और ऑक्सीजन को बैलेंस करिए वाटर से। और बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करिए OH आयन से और हाइड्रोजन को बैलेंस करिए वाटर से। बैलेंस हो जाएगा। चार्ज अगर है इक्वेशन में तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। अगर चार्ज भी बैलेंस नहीं है तो गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं दो एग्जाम्पल आपको लेके करवा देता हूँ, वो आप देखिए कि कैसे करोगे। दो कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। से मैंने ले लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S gives K2SO4 plus sulfur. सल्फर वैसे वहां भी है तो मैं अभी कोई और ले लेता हूं, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड ले लेता हूं, सल्फेट बनेगा। नाइट्राइट ले लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। NaNO2 देन K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस NaNO3 प्लस वाटर। ये इक्वेशन है, सबसे पहला काम हो गया, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन। वो आपको पहले लिखा मिलेगा, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन लिख लिया हमने। देन दूसरा, आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। जनरली आपको एक ही मिलेगा जिसमें पर एटम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। पोटेशियम का है प्लस वन है, प्लस सिक्स माइनस टू, प्लस वन प्लस सिक्स माइनस टू, प्लस वन प्लस थ्री माइनस टू। देखने से पता चल जाएगा आपको, देखो यह है नाइट्राइट और यह है नाइट्रेट, तो दिख रहा है कि यहां पर चेंज हो रहा है। यहां नाइट्रोजन का प्लस थ्री है और यहां नाइट्रोजन प्लस फाइव है। यहां भी सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, तो सल्फर का तो चेंज नहीं हो रहा। क्रोमियम यहां प्लस सिक्स है और यहां प्लस थ्री है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे या इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो अब हमें यह पता चल गया किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। यह प्लस सिक्स है, प्लस थ्री डिक्रीज बाई थ्री
पर एटम। ये जो प्लस सिक्स है ये दो क्रोमियम का नहीं है, एक क्रोमियम का है। प्लस थ्री है ये दो क्रोमियम का नहीं है, एक क्रोमियम का है। तो डिक्रीज थ्री बाय पर एटम, तीन डिग्रीज हो गया पर एटम। और या प्लस थ्री से प्लस फाइव, ये हो गया आपका इंक्रीज बाय टू पर एटम, इंक्रीज बाय टू पर एटम। पर एटम दो इंक्रीज हो गया और यहां पर एटम तीन डिक्रीज हो गया। पर एटम निकाल लिया। नाउ पर मोल देखो, के टू सी आर टू सेवन में क्रोमियम का प्लस सिक्स से प्लस थ्री हो गया, ये तो एक एटम का था, लेकिन एक मोल पोटेशियम क्रोमेट में कितना डिक्रीज हुआ? तो एक मोल में दो क्रोमियम के एटम है, एक मोल में क्रोमियम के दो एटम है। तो प्लस सिक्स से प्लस थ्री डिक्रीज बाय थ्री, और दो से मल्टीप्लाई कर दो तो डिक्रीज बाय सिक्स पर मोल। एक एटम का कितना डिक्रीज हो रहा है? तीन। एक मोल में कितना डिक्रीज हो रहा है? सिक्स, क्योंकि एक मोलिक्यूल में दो क्रोमियम के एटम है। यहां देखो नाइट्रोजन का प्लस थ्री से प्लस फाइव हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? टू, लेकिन टू इंक्रीज हुआ है एक का, एक का इंक्रीज दो बार। तो और एक एटम है, नाइट्रोजन एक ही है, तो इंक्रीज बाय टू पर मोल। पर मोल भी एक ही है, पर एटम भी एक ही है। अब देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है सिक्स और इंक्रीज हो रहा है टू, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करें, अब हम इनको बराबर करें। तो ये डिक्रीज हो रहा है सिक्स और इंक्रीज हो रहा है टू, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एच टू एस ओ फोर प्लस एन ए एन ओ टू, के टू एस ओ फोर प्लस सी आर टू एस ओ फोर थ्राइस प्लस एन ए एन ओ थ्री प्लस। ये कितना हो रहा था? डिग्रीज सिक्स, सिक्स डिग्रीज हो रहा है और इंक्रीज टू, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर। एक मोल का दो इंक्रीज हो रहा है, तो तीन मोल का सिक्स इंक्रीज होगा और इधर सिक्स डिग्रीज हो रहा था, तो इंक्रीज और डिग्रीज बैलेंस। अब हमें इनको नहीं छेड़ना है, इन दोनों को नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसका जो इंक्रीज इसका जो डिक्रीज था वो इसके इंक्रीज के बराबर है। अगर इस बैलेंसिंग फैक्टर को हम गड़बड़ करेंगे तो फिर हमारा इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब इनको छोड़ के इनके अकॉर्डिंग बाकी को बैलेंस करो। शुरुआत से देख लो, पोटेशियम दो दो, क्रोमियम दो क्रोमियम दो, ऑक्सीजन को लास्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन को लास्ट में देखेंगे, सल्फेट पूरे देख लो, सल्फेट को पूरा एसओ फोर देख लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे साथ साथ। एसओ फोर एक और इधर एसओ फोर के तीन, तो एसओ फोर के चार ग्रुप कर दो, फोर एसओ फोर आ गया, तीन सोडियम कर दो। इसको नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग इसको करना। नाइट्रेट, नाइट्रेट भी तीन हो जाएंगे, एनओ टू है एनओ, सल्फेट भी चार हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन देखो सेवन और सोलह, सात और सोलह ये और छह बारह हो सकते, ट्वेंटी नाइन हो गए, और इधर चार बारह और छह और एक, छह और आठ नौ, छह तेरह,
6, 12, 13, 6 कम है ऑक्सीजन, 6 कम है हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6 कम है, तो इधर हम देखते हैं ऑक्सीजन का देखो 7 ऑक्सीजन काउंट की थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन 6 कम है हाइड्रोजन देखिए 8 और इधर भी 8 इधर भी 8 हाइड्रोजन का बैलेंस है 8 इधर भी 8। अब देखिए आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर आपकी थी 7 और 16 और 6 16 और 6 22 और 28 ठीक है इधर है 4 और 9 है 3 × 3 = 9 3 है तो 3 और 3 9 और 4 है तो देखो 4 और 2 6 और 9 15 और 4 19 बैलेंस। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। ये स्टेप लेने पड़ेंगे, जल्दबाजी हम कर ही नहीं सकते, ये तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे और खुद प्रैक्टिस। ये तो मैं तो एक एग्जांपल समझा रहा हूं, खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, आइडेंटिफाई कीजिए किसका ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऑक्सीजन नंबर ही गलत निकाले तो बैलेंस हो नहीं सकते। इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, पर एटम आएगा पहले, फिर पर मोल कन्वर्ट कीजिए और जितना इंक्रीज है उतना डिक्रीज होना चाहिए, उनको आपस में बैलेंस कर दो, लास्ट में बाकी को बैलेंस। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं यहीं पे आयनिक इक्वेशन का, बाकी मैं इसमें चाहे कितने भी एग्जाम्पल करवा लो, जब तक आप खुद बैलेंस नहीं करके देखोगे बात नहीं बनेगी। MnO4 नेगेटिव प्लस फेरस आयन गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस फेरिक आयन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बताया होगा आपको कि एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम, और अगर किसी में स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है रिएक्टेंट में जैसे पहला आ रहा था H2SO4 था तो अपने आप ही एसिडिक मीडियम है। तो इसमें सबसे पहला काम तो हो गया, राइट डाउन द स्केलेटन हो गया, आइडेंटिफाई द स्पीसीज व्हिच ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज डिक्रीज। तो यहां पर एक तो ऑक्सीजन है और ये है ही दो स्पीसीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो यहां है +7 और यहां +2, क्या हो रहा है डिक्रीज बाय 5 पर एटम, या +2 या +3 इंक्रीज बाय 1 पर एटम। पर एटम डिक्रीज बाय 5 पर एटम, एक एटम का 5 डिक्रीज हो रहा है पर मोल भी 5 ही है, डिक्रीज बाय 5 पर मोल, क्यों एक मोल में एक ही एटम है, एक मैग्नीज है तो एक ही है तो उतना ही पर मोल है उतना ही पर एटम है, यह भी इंक्रीज बाय 1 पर मोल, एक मोल का भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है और एक एटम का भी उतना ही है एक ही है। तो पहले सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर लिया किसका डिक्रीज हो रहा है किसका इंक्रीज हो रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है पर मोल, देन हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस आयरन 2 पॉजिटिव कितना हुआ पर एटम, इसका 5 डिग्रीज हो रहा है और इंक्रीज
वन और है, इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, अब इंक्रीज भी फाइव और डिक्रीज भी फाइव, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंक्रीज और डिक्रीज बराबर, अब इनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, एक मैग्नीज एक मैग्नीज, फाइव फाइव, ऑक्सीजन कितने इधर चार, एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर से, चार वाटर लेना ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर है एट, इधर कम है तो इधर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को करेंगे एच पॉजिटिव से और ऑक्सीजन को करेंगे वाटर से। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज बैलेंस्ड। मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है, बाकी जो मेथड है वो आपको यूज करने हैं, आपको देखने हैं कि कैसे कैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करो। जो बैलेंसिंग ऑफ जो इक्वेशन है उसमें आपको मेथड यूज करना है, एक मेथड मैंने अभी करवाया है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला काम है राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, दूसरा काम है आइडेंटिफाई द स्पीशीज हूज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज पर एटम देन पर मोल, जनरली एक का इंक्रीज हो रहा होगा एक का डिक्रीज हो रहा होगा, फिर आपको कर लेना है टोटल कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, और वो इंक्रीज और डिक्रीज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दो बराबर कर दो। अब आप उनको छेड़िए मत, आप उनको नहीं छेड़ोगे, उनको नहीं छेड़ने के बाद आपकी जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो इक्वेशन को आप बैलेंस करिए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करिए मीडियम के हिसाब से, एसिडिक मीडियम है तो एच पॉजिटिव बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा एच पॉजिटिव से और ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से, बेसिक में हाइड्रोजन वाटर से और ऑक्सीजन OH आयन्स, एक तरफ आपने दो OH आयन ऐड कर दिए और एक तरफ एक वाटर ऐड कर दिया तो इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, वाटर से ऐड करोगे उधर दो हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। अब दूसरा जो मेथड है दैट इज इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड नॉर्मली ये आयनिक इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड किस पे बेस है, ये उसी तरीके से बेस है बेस्ड ऑन दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे, रिडक्शन हो रहा है तो गेन हो रहे होंगे, और फिर ये जो लॉस और गेन है वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आपको यहां पे क्या करना है, जैसे वहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज बराबर कर रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर करना है। तो स्टेप क्या होंगे, पहला स्टेप वही है राइट द स्केलेटन, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्केलेटन लिखिए, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन। दूसरा राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, स्केलेटन लिखने के बाद आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड राइट देम सेपरेटली, राइट देम सेपरेटली, उनको अलग अलग लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन को अलग लिख लीजिए और रिडक्शन को अलग लिख लीजिए, राइट देम सेपरेटली, ऑक्सीडेशन को अलग और रिडक्शन को अलग, देन बैलेंस ईच
separately. हर किसी को क्या करिए, देन बैलेंस इज सेपरेटली. हर किसी को फिर सेपरेटली बैलेंस कीजिए. हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन. जिधर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बैलेंस. दैट इज व्हाई इट इज सेड इलेक्ट्रॉन आयन मैटर. टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन. टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू टोटल गेन इन इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन. टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल. कैसे इक्वल हो, हम जो लॉस हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देन एड बोथ टू मेक ओवरऑल इक्वेशन. फिर आप उसको क्या कर दीजिए, ओवरऑल इक्वेशन बना दीजिए. यानी कि क्या क्या स्टेप है, सबसे पहला तो काम वही है कि राइट एड्रेस करके रूब्रिक्शन और वो तो आपको वाई मिलेगा. फिर क्या करना है, फिर आपको करना है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और ऑक्सीडेशन को अलग लिख लीजिए, रिडक्शन को अलग लिख लीजिए, और फिर दोनों को सेपरेटली बैलेंस करिए. वही मीडियम का हिसाब वही है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है. एच पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव से, वाटर को वाटर से ऑक्सीजन बैलेंस होगा एसिडिक मीडियम में. बेसिक में हाइड्रोजन वाटर से होगा और ऑक्सीजन को OH से. और फिर दोनों ऑक्सीजन रिडक्शन बैलेंस होने के बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कर दीजिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दोनों पार्ट को ऐड कर दीजिए और ओवरऑल इक्वेशन आ जाए. एग्जांपल ले लेते हैं. प्लस इन एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम. कैसे करें, क्रोमियम यहां पे है प्लस सिक्स प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री. सबसे पहला काम ये होता है स्केलेटन को लिख के ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है. तो प्लस सिक्स से प्लस थ्री रिडक्शन और प्लस टू से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि विच स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन, देन सेपरेट देम. फिर क्या करिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए. ऑक्सीडेशन को अलग कर दीजिए और रिडक्शन को अलग कर दीजिए. जैसे Cr2O7 टू नेगेटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये है आपका रिडक्शन. और आयरन टू पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव, यह है ऑक्सीडेशन. इसको जब आप अलग करोगे तो अब आप ये सेपरेट हो गए, दूसरा काम हो गया. देन राइट देन सेपरेटली, यानी कि ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई कर लिया
ऑक्सीडेशन और आइडेंटिफाई कर लिया रिडक्शन, देन राइट देम सेपरेटली, ऑक्सीडेशन को अलग लिख लिया, रिडक्शन को अलग लिख लिया, देन बैलेंस सेपरेटली ईच, हर किसी को अलग से बैलेंस के लिए, और हायर ऑक्सीडेशन को किससे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन से। यहां देखो 11 कितना है प्लस 6 और यहां प्लस 3 कितने हैं ये 2, यहां भी कितने कर दो 2, तो यहां एक का कितना है प्लस 6 और एक का कितना है प्लस 3, कितने का डिफरेंस है 3 का, एक एटम में 3 का है दोनों तरफ दो दो एटम है तो 6 इधर ज्यादा है, 6 6 इधर ज्यादा है, 6 इधर ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, जिधर जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उतना उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको बैलेंस कर दीजिए। इसका अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी क्या होता है रिडक्शन, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने गलत बैलेंस किया है सही बैलेंस किया, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन शुड बी गेन, गेन ही होता है। अब ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम है तो 7 वाटर, 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन 14 हाइड्रोजन आ गए तो 14 हाइड्रोजन, अब ये बैलेंस, और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। आप देखो चार्ज 6 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव एंड 14 पॉजिटिव, यानी 6 पॉजिटिव बचता है उधर, सारे पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं तो उधर ओवरऑल में 6 पॉजिटिव आता है, और इधर 3 पे 1 पॉजिटिव तो 2 पे, तो इधर भी 6 पॉजिटिव, तो दोनों तरफ 6 पॉजिटिव है तो बैलेंस, 6 पॉजिटिव इज बैलेंस। देन इधर 2 पॉजिटिव इधर 3 पॉजिटिव, बाकी सब तो बैलेंस है, यही अकेला अकेला है, एक इलेक्ट्रॉन जिधर जितना ज्यादा है ऑक्सीडेशन नंबर उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, नाम ये है इलेक्ट्रॉन आयन मैटर बैलेंस, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, चार्ज के बराबर, अगर सही बैलेंस होगी तो चार्ज भी बराबर होगा। अब देखो अब ये दोनों सेपरेट बैलेंस है, अब इधर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 6 और इधर लॉस हो रहा है 1, तो मेक द लॉस एंड गेन इक्वल, तो इधर 6 है तो इधर 1 है, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि लॉस कर दिया गेन नहीं हुआ, गेन हो गया तो लॉस किसी ने नहीं किया। अब इसको और आप बैलेंस कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन, देन 14 एच पॉजिटिव, 6 2 पॉजिटिव, 2 इक्वेशन इज बैलेंस, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, पहला स्टेप क्या था राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या था आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो तभी पहचान पाओगे जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आएंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकालने आते तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भूल जाएगी, देन बैलेंस इज सेपरेटली एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस बाय द इलेक्ट्रॉन, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, फिर दोनों को सेपरेट बैलेंस कीजिए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन शुड बी इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन, और फिर टोटल कर दीजिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन आयन मैटर। तो ये एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, दो एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए किसके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के, दो मैं करवा रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉन आयन मेथड के, बाकी आपको करके देखने हैं, स्टेप आपको फॉलो करना है, पर मैग्नेट आयन का कर लेता हूं MnO4 नेगेटिव, कौनसिलिक एसिड का लेता हूँ C2O4 नेगेटिव प्लस H2SO4 गिव MnO2 पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड,
इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक ही है क्योंकि ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, मीडियम एसिडिक ही है। पहला काम हो गया स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन। अब आइडेंटिफाई करिए ऑब्जेक्शन नंबर, यहां पे प्लस सिक्स प्लस सेवन, यहां पे प्लस थ्री, निकालोगे तो आ जाएगा सी टू ओ फोर टू नेगेटिव ऑक्सीलेट आयन है, ये आपका सी ओ ओ नेगेटिव सी ओ नेगेटिव है, ऑक्सीलिक एसिड का ऑक्सीलेट आयन प्लस थ्री है, ये प्लस टू और ये प्लस फोर, तो कार्बन प्लस थ्री से हो गया प्लस फोर ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज प्लस सेवन से हो गया प्लस टू रिडक्शन। तो दूसरा काम हो गया आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ राइट देम सेपरेटली, MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव, ये था आपका रिडक्शन, और C2O4 टू नेगेटिव और CO2 ये है आपका ऑक्सीडेशन। दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, और दोनों को अलग अलग लिखने के बाद अब हर किसी को अलग से बैलेंस करिए। सबसे पहले बैलेंस करिए, एक है एक है, ऑक्सीजन चार है एसिडिक है, तो चार वाटर कर दीजिए और इधर एट एच पॉजिटिव कर दीजिए क्योंकि आठ हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम। अब इधर ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सेवन और इधर है प्लस टू, तो इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है फाइव, तो ये पांच इलेक्ट्रॉन गेन करें। इसीलिए जब हम इससे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। तो हम यहां MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो फाइव से डिवाइड करेंगे क्योंकि पांच इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पर मोल। अब ये बैलेंस हो गया, और सही देखने के लिए आप चार्ज भी देख सकते हो, यहां पर टू पॉजिटिव फाइव एंड वन, सिक्स नेगेटिव एट पॉजिटिव, तो इधर पे टू पॉजिटिव इधर पे टू पॉजिटिव, जब सब कुछ सही होगा तो चार्ज भी सही बैलेंस। अब नीचे आ जाइए, कार्बन दो इधर एक है दो कर दो, ऑक्सीजन इधर चार है इधर भी चार है, अब आप चार्ज को बैलेंस छोड़िए अपने आप हो जाएगा। अब आप ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इधर है प्लस थ्री और इधर है प्लस फोर, एक का डिफरेंस है, एक एटम है और दो एटम है तो दो का डिफरेंस है, तो दो का डिफरेंस है तो इधर दो ज्यादा है, जिधर ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, जितने ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दीजिए। वैसे भी पता चल गया रिडक्शन में गेन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन में लॉस होना चाहिए, हो गया लॉस और गेन। अब ऑक्सीजन अब सब बैलेंस है, दो नेगेटिव दो नेगेटिव, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है टू और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फाइव, तो ये बैलेंस नहीं है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, तो क्या करें इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दें। और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को टू से, किस लिए टू मेक द लॉस एंड गेन इक्वल। अब टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बराबर, अब इसको आप और आप कर दीजिए तो ये आ गया 16 H आयन, 2 पर मैग्नेट आयन, 5 ऑक्सीडेट आयन, 10 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मैग्नीज प्लस 2 एंड 8 वाटर। दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडॉक्स। यहां पे इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इस रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और C2O4 नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो मेथड हमने किए हैं, सबसे पहले हमने किया है बैलेंस इक्वेशन, क्या होती है बैलेंस इक्वेशन में जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है वो सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, बट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, और दोनों जो इंफॉर्मेशन है उनमें अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे हम करेंगे
जब किसी इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे तो क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला चेंज नहीं होनी चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, करते रहिए आप बैलेंस लगे रहिए कभी तक भी लगे। देन कैसे बैलेंस करेंगे उसके लिए दो मेथड मैंने करो है। एक मेथड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या बेस है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे रिएक्शन को, फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है कितना इंक्रीज, पहले पर एटम निकालेंगे फिर पर मोल, और जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसको बराबर कर देंगे और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस कर लेंगे मीडियम के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में क्या बेस है? पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन को अलग लिख लेंगे रिडक्शन को अलग लिख लेंगे, और जिधर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उतना उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और मीडियम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन या OH को ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। फिर रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन में जो लॉस होंगे वो बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। नॉर्मली एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कहीं अगर एक से ज्यादा का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज निकाल दीजिए। कई बार एक ही एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है उसी का, सेम मॉलिक्यूल्स अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दिस प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जिनको बोलते हो, तो उनको अलग अलग लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन को अलग लिख लीजिए रिडक्शन को अलग, लास्ट में टोटल हो जाएगा। तो ये मेरा तो बताने का काम था, बता दिया, बाकी एक्चुअल जो प्रैक्टिस होगी आप खुद से बैलेंस करोगे तब होगी, देखोगे क्या स्टेप है कैसे किया। मैं चाहे कितने भी एग्जांपल करवाता जाऊं उससे कुछ नहीं होना, मैंने रूल बता दिए और दो दो एग्जांपल दोनों के करवा दिए, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मेरी तरफ से कंप्लीट है, आगे जो प्रोग्राम आप पूछोगे वो मैं बताऊंगा। थैंक यू।